बातचीत रिकॉर्ड हो रही है बेटे। अच्छा, जी वो आप बीच में कट हो गए, मुझे मालूम नहीं पड़ा, मालूम नहीं आपने कितनी बात सुन पाई कितनी नहीं सुन पाई है। अच्छा, नहीं, मैं कट नहीं हुआ, वो आ रहा था ना कि कट गया, फिर बोल लगा ही नहीं वापस। उसमें चलो कोई बात नहीं, क्योंकि वो रिकॉर्ड हो रही थी, तो वो यदि आप टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कर लेंगे तो, और हेलो भेजेंगे, तो हम आपको रॉ रिकॉर्डिंग भी भेज देंगे, और कल तक तो ये अपलोड भी हो जाएगी, तो ये दुनिया को भी सुनाई देगी। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, हाँ, लेकिन मैं जितेंद्र चाहूंगा कि समय कम है, मैं ये बिल्कुल चाहूंगा दादा भाई। कि आप पहले एनर्जी मध्य प्रदेश में लगाओ। तो कैसा आपका है क्या मतलब? क्या आप मध्य प्रदेश में हमें प्रत्येक जिले में प्रत्येक, देखो उसमें एक राज्य का स्तर है, राज्य के नीचे संभाग है, संभाग के नीचे जिला है, जिला के नीचे दो पॉलिटिकल लेवल हमने रखे हैं, एक सांसद क्षेत्र रखा है और एक विधायक क्षेत्र रखा है। इसके बाद जी जो जी है सब डिवीजन है, फिर ब्लॉक है, फिर टाउन है, फिर गांव है, और फिर पोलिंग बूथ है। इतने स्तर हैं, और हर जी स्तर दादा, पर जो है हमने एक जो है अध्यक्ष रखा है, 5 उपाध्यक्ष रखे हैं, 10 सहायक उपाध्यक्ष रखे हैं, और 21 लोगों की कार्यकारिणी समिति है। हम चाहते हैं कि वो कार्यकारिणी समिति हर 7 दिन में बैठे और कैसे क्या क्या और करना है उस पर विचार करे और लग जाए, राइट? तो जब ये पोलिंग बूथ स्तर तक यदि हम ये संगठन खड़ा कर देंगे, वो भी 21 विंगों का, तो मुझे नहीं लगता है कि हम चंद दिनों में ही जो है इस पूरे देश को जो है क्राइम फ्री भारत मिशन मुक्त कर देंगे, मैं कर देंगे, राइट? और जो है इन 21 लक्ष्यों में तो ऐसा कोई चीज है ही नहीं जो कि जिससे परिवर्तन ना हो। ये देश बदल जी जाएगा, जी ये देश बदल जाएगा। आपके जो तीनों चीजें हैं आप देखिए उन 21 लक्ष्यों में वो उसमें छिपी हुई हैं। तो मैं ये बेटा, मैं आपको चाहूंगा, बताऊं कि मैं इस काम पे निकल ही रहा था, अपने इस काम पर लोगों को जोड़ने के लिए, कि ओ इस बीच ग्रेट, में आपका ये मिशन आ गया। अब आप सोचिए कि मैंने अपने मिशन को डाउन करके आपके मिशन को जो है एक्सेप्ट किया, और इस पर काम करने के लिए इसलिए तैयार हुआ क्योंकि यहीं से सारी चीजों का निर्धारण शुरू होगा। बहुत सही आपने बात कही। देखिए, हाथी के पैर में सबका पैर। यदि जी बिल्कुल हमने इन दुष्ट राजनेताओं को पराजित कर दिया तो पूरी देश की शक्ति हमें परिवर्तन के लिए मिल जाएगी। बिल्कुल अभी बिल्कुल दादा, अभी ये दुष्ट लोग जो है उस शक्ति को दूसरे कामों में यूज कर रहे हैं, और इससे देश का बुरा हो रहा है। देखो, जो चीजें प्रचारित होती हैं वो चीजें ग्राउंड पे होती नहीं है। देखिए, हमने हरित क्रांति को प्रचारित किया, राइट? और हरित जी क्रांति के नाम पे जो रासायनिक विष हमने डाला, तो आज उस रासायनिक विष का जो नेगेटिव परिणाम आज हो रहा है, ये तो साइंस है। पहले दिन भी वही नेगेटिव परिणाम हो रहे होंगे कि नहीं हो रहे होंगे। बिल्कुल उसने जो है हमारी मिट्टी के जो जीवाणु थे उनको मार के उसे जो है ना मृत प्राय कर दिया है, और जो कार्बन कंटेंट पहले 0.9 हुआ करता था वो घट के 0.1 और 0.05 हो गया है। आप जो भी पैदावार कर रहे हैं वो हानिकारक रासायनिक फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड की दम पे कर रहे हैं, जिससे आपकी फूड चेन विषाक्त हो गई है। जी ये जितेंद्र सोचना ही पड़ेगा कि हम 16 करोड़ लीटर दूध पैदा कर रहे हैं और प्रतिदिन 65 करोड़ लीटर दूध कंज्यूम हो रहा कहाँ है, से आ तो रहा है, कहाँ से आ रहा है? 50 करोड़ लीटर दूध हमारे दुष्ट लोग जो है रासायनिक विष से, यूरिया जैसी चीजों से पैदा कर रहे हैं, जिससे कैंसर होगा हमारे अरे, इस पर लोग। हमारा ज्यादा काम चल रहा है, इसमें लोग जुड़े हुए हैं, मतलब मैं उन लोगों से जुड़ा हुआ हूँ, ये वो मुझसे जुड़े हैं जो रसायन को लेकर, रासायनिक खेती को लेकर, जैविक खेती को लेकर काम कर रहे हैं। तो आपका जैसे ही ये कंसेप्ट आया, मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, 2019 तक मैं किसी के भी साथ काम करने तैयार था, 2019 के बाद मैंने तय किया कि अब मैं किसी के साथ काम नहीं करूंगा, क्योंकि किसी के पास में कोई विजन था ही नहीं। करना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन विजन नहीं है, और ईगो के कारण मानने तैयार नहीं कि आपके पास विजन नहीं। पहली बार ऐसा हुआ है जब मैंने जो है ना आपके इस विजन को सुना और अपने साथियों से सलाह मशवरा किए बिना मैंने यस कर दिया, और बाद में अपने साथियों से सलाह मशवरा मैंने किया, आपसे फोन करने के बाद में बाद में मैंने उनसे सलाह मशवरा किया, उन्होंने कहा कि बिल्कुल जितन भाई, बिल्कुल सही जगह पर गए हो आप। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और ये ये हम बात इतनी आसानी से कर सकेंगे, पूरी शक्ति जो है ना वहां पहुंच जाएगी। अब ये बताइए, हाँ, बिल्कुल देखो हम गायों को कटवा रहे हैं, हम कितने दुष्ट हैं, जबकि हमें बिल्कुल गायों की संख्या आने वाले 3-4 अधिकतम 5 सालों में कम से कम 10 गुना करना है। बिल्कुल, मैं इससे लगा हुआ था जितेंद्र मैं। भाई आपको बता दूं,
भगवान कृष्ण को तो मैं मैथिली शरण गुप्त पैदा कर नहीं सकते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण को छोड़ के गायों को वही सतयुगी चीज मिलेगी द्वापर अगर की, जो भगवान कृष्ण के सानिध्य में मिलती थी, तो उनको जो है ना वो बांसुरी से लेके मंत्र मिलेंगे और उनको जो भोजन मिलेगा वो बहुत हाई प्रोटीन रिच होगा, सीधे पेड़ों से निकाला हुआ होगा, उसमें औषधियां भी मिलाई जाएंगी। तो अल्फा टू वैरायटी का जो देसी गाय का दूध है वो अकेला जो है अमृत तुल्य नहीं रह जाएगा, वो औषधिमय भी हो जाएगा, वो इस देश को निरोगी और दीर्घायु बनाएगा। दादा मैंने इस पर दो, चूंकि मैं कलाकार हूँ तो मैंने दो नाटक लिखे हैं और उनके प्रदर्शन के लिए मैं अभी तैयारी में जुटा हुआ हूँ। बहुत सुंदर। तो आप कोई बड़ा आयोजन, यदि आप कोई बड़ा आयोजन कर लें, लोगों को जोड़ लें, तो जब आप कहेंगे मैं आपके बीच में उपस्थित हूँगा। नहीं नहीं बिल्कुल, अरे मैं तो आयोजन क्या करना, हम तो आपके इस पूरे अभियान के तहत पूरे आयोजन को ले लेंगे ना, उसमें क्या दिक्कत है। बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। तो गाय के ऊपर मैंने दो नाटक, एक है गाय और गोवंश अदालत में हाजिर हूँ, और दूसरा नाटक है खाना का राज आया। खाना का राज जो भी आपने कहा ना कि औषधि में हमें खाने को मिलेगा, सिर्फ जो ना शुद्धि नहीं मिलेगा, वो उस नाटक की थीम है। एक बच्चा मक्खन मांगता है अपनी माँ से और माँ उसको मक्खन देती है बाजार का, वो कहता है ऐसा मक्खन कहते थे कन्हैया, थू 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 बेकार है, वहां से वो नाटक और अंत में वो खाना अपने दम पर पूरे उसकी काया पलट कर देता है वो खाना। तो इसमें जो है इस मंचन का मैं बता दूं, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट बदल रहा है, सभी गौशालाएं इंडिया के फॉरेस्ट में चली जाएंगी, उनकी घूमने के लिए डेडिकेटेड कॉरिडोर होगी जिसमें बांसुरी बज रही होगी, मंत्र बज रहे होंगे, जहां पे गायें होंगी उनके नहाने धोने के लिए मशीनें होंगी, उनकी जो है ना ब्रशिंग की जाएगी, उनको जो है ना सजाया संवारा जाएगा, जगह जगह पे उनकी पूजा होगी। ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि गायों के सानिध्य में जो समय बिताएगा उसको डिप्रेशन नहीं होगा, ढेर सारी बीमारियां नहीं होंगी। तो आप पूजा कर पाएंगे। साफ सुथरी योजना लेके चल रहे थे, गाय का मंदिर बनेगा, गाय का गोवन बनेगा, गाय के खेत बनेंगे, गाय खेत जैसे गो खेत गो मंदिर गो घर गो बाटिका गो कुटिया, ये जैसे आपकी होटलें बनी है ना आपकी सारी रोड पर, ऐसे हमारे जो है ना गौशाला है, मतलब गौशाला नहीं बनाना है, गो कुटिया गो मंदिर बनेंगे, उनके शब्दों से ही हमारा अर्थ आता है। देखिए मैं तो बड़ी सिंपल सी बात कह रहा हूँ, हम वहां पे ले जाएं जहां गायों को नेचुरल माहौल मिले। बिल्कुल, तो मेरा ये मानना है कि चाहे हम कुछ खेतों को उसमें कन्वर्ट कर दें और पेड़ वेड़ लगा के उसे जंगल जैसा करके, और उसमें जो है तमाम तरीके की जड़ी बूटियां सुगंधित चीजें प्रोटीन रिच फॉडर, जैसे मुनिंगा जैसे जो है ना प्रोटीन के जो रिच पौधे हैं, उसका जो है भोजन जब गायों को पहुंचेगा तो उनके दूध में वो तत्व जाएंगे, और इसमें अलग अलग औषधियां जो है ना अलग अलग गायों को दी जाएंगी, तो वो गाय का दूध जो है उस बीमारी को दूर करने की क्षमता भी हासिल कर लेगा। तो इसमें ये दोनों चीजें, देखिए इसमें दोनों चीजें रहेंगी, और आप ठीक कह रहे हो कि उन्हीं गौशालाओं के बीच में मिट्टी के और उस तरीके के भवन बनाए जाएंगे जिसमें आज की सुविधाएं भी होंगी और वो जीवित होगा। वहां पर जो है ना अलग अलग तरीके के जो है ना जैसे राधिकाएं और ये सब जो है वो करती थी गोपिकाएं, तो उस तरीके के उनके डांस भी होंगे, वो भी होगा, तो जो है ना वहां एक वृंदावन पैदा हो जाएगा। बिल्कुल। तो ये वृंदावन पैदा करना क्राइम फ्री भारत की सोच का हिस्सा है। जी जी देखिए सब कुछ मेल खा रहा है दादा आपकी पूरी योजना से, मैं ये नहीं कह रहा, और आपकी योजना नहीं, इस देश में से बहुत सारे लोग हैं जो आपकी हमारी तरह सोचते हैं। मुद्दा ये है, मुसीबत ये है कि कोई ऐसा मंच नहीं था जिस पर सब लोग इकट्ठा हो जाएं। आपने चूंकि ये इनिशिएटिव लिया है और मेरे जैसे जो लोग जुड़ेंगे भी इससे, तो इससे जुड़ने के लिए मैं जो भी बनेगा, मेरे को पद की चिंता नहीं दादा, मैं कभी पद की टेंशन नहीं लेता हूँ। मैंने भारत की इसलिए कहा कि आप मुझे जहां जब कहोगे मैं जाने के लिए तैयार हूँ, मैंने ये नहीं कहा कि मतलब मेरे को कोई जिम्मेदारी दो, क्योंकि हमने इसमें पद का कोई कॉन्सेप्ट अपने अभियान में रखा नहीं है। मैं हमने पद रखी नहीं है। बड़ी सिंपल सी बात है, यदि पद रहेगा तो आप ज्यादा अधिकारपूर्ण ढंग से बात कह पाएंगे। कई बार क्या होता है, वो संगठन के लिए जरूरी होता है। हाँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो जरूरी है, वो जरूरी है, और जो लोग आपसे अच्छे अच्छे जुड़े हुए हैं उनको तो सीधा इसमें जोड़ लीजिए, क्योंकि देखिए इसमें अभी क्या हो रहा है कि आप इन दुष्टों के सामने हाथ फैला रहे हो और इन दुष्टों को उसमें कोई उनका नियत नहीं है, राइट, उनकी सोच का हिस्सा नहीं है, उनके तो खून में दुष्टता बसी हुई है, राइट। तो उनके यदि आप उनको कोई प्रोजेक्ट सबमिट करेंगे तो वो हो नहीं पाएगा, लोगों के पास संसाधन नहीं है। हमने अपने मॉडल में क्या रखा है कि
इस क्राइम फ्री भारत का बहुत बड़ा एग्रो मॉडल है, कभी हम विस्तार से आपको समझाएंगे। एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में जो है हम आपको कैसे जो है ना किसान बदल जाएंगे, उनको जो है ना उनके खेतों में काम करने वाले जो मजदूर जाएंगे उनका भुगतान किसान को अपने अर्निंग अकाउंट से नहीं करना पड़ेगा, वो जो है कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट से उसकी वो होगी। उनके यहाँ पे जो बड़े बड़े पेड़ जाके लगेंगे उसका पैसा उन्हें अपने अर्निंग अकाउंट से नहीं देना होगा, वो उनके कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट से जाएगा और जो फाइनल पेमेंट होगा वो किसान के खाते में आएगा। बीच के जो पेमेंट होंगे जैसे क्वालिटी चेक वाला पेमेंट है या पैकेजिंग वाला पेमेंट है या ट्रांसपोर्टेशन वाला पेमेंट है या वेयर हाउसिंग वाला पेमेंट है या रिटेल हाउसिंग वाला पेमेंट है या होलसेल वाला जो एजेंट्स रहेंगे, क्योंकि किसी को अनएम्प्लॉय नहीं होना देना है, तो आज जो लोग काम कर रहे हैं उन सबको इस सिस्टम का हिस्सा इसलिए बना देंगे, नहीं तो वो बेरोजगार हो जाएंगे। तो बिल्कुल बिल्कुल उनको रोजगार बिना रहे लेकिन वो उतना ही कमाएं जितना वो वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। अभी एकदम उल्टा हो रहा है। एक एक टी शर्ट जो है ना 500 रुपए में बन रही है, एक व्यक्ति जो है ना एक मॉल बना दे रहा है, थोड़ा एयर कंडीशन कर दे रहा है, दो चार सुंदर सेल्स पर्सन को रख ले रहा है और वो 500 की शर्ट को 2000 में बेच रहा है। तो जो बिल्कुल जो उसका धागा मंगा रहा है, उसको धागा बुन रहा है, उसको वो कर रहा है, डिजाइन बना रहा है, कपड़ा बना रहा है, उसको स्टिच कर रहा है, उस और टैक्स भी दे रहा है, वो 500 रुपए में सब चीजें कर ले रहा है और उसमें से थोड़ा सा अपने लिए भी पैदा कर ले रहा है, और ये दुष्ट मिडिलमैन 1,500 रुपए 2,000 रुपए बीच में 1,500 रुपये कमा कमा रहे रहे हो। हैं। बिल्कुल 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 तो ये अब नहीं होगा। अब जो है ऑनरशिप जो है प्रोड्यूसर की बनी रहेगी। तुम्हारे यदि शोरूम का यूज हो रहा है तो जितना आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उतना पैसा आपको मिलेगा। जो फाइनल पेमेंट होगा वो प्रोड्यूसर के कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में जाएगा। अब ये बताओ, ये सोच और चिंतन इन आम नेताओं की और किसी की है क्या? नहीं, ये किसी तो के नहीं है दादा। मैं तो गाय को लेकर जब से काम करना शुरू किया तो जितने भी लोग गाय को लेकर काम कर रहे हैं मेरी उनसे पटरी नहीं बैठती है, मतलब किसी से भी नहीं बैठी आज तक। कारण उसका यही है कि मतलब जो लोग सच में कुछ गाय गोबर के लिए काम कर रहे हैं उनको इन नेताओं ने हाईजेक कर रखा है, उनका शोषण कर रखा है। उनको 2, 5, 10, 20 हज़ार रुपये दे देते हैं, उनसे कहते हैं जहाँ मरम पट्टी कराओ गाय की। अरे मरम पट्टी करने की नौबत ही क्यों आ रही है? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, गाय सुंदर दिखेंगी, स्वस्थ दिखेंगी, आनंद ही आनंद होगा चारों तरफ। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? मैं समझ पा रहा हूँ और मैं तो आपके इन विचारों को सुनकर बहुत अभिभूत हूँ और मैं इस पर काम करने के लिए इसलिए भी उत्साहित हूँ क्योंकि जो है ना आपने जो इनिशिएटिव लिया है और ये एक बहुत बड़े लार्ज स्केल पर एक बड़े स्तर पर है। हम तो अभी शुरुआती दौर में ही काम कर रहे थे और अभी कर ही रहे हैं, उस पर करेंगे क्योंकि वो गाय को लेकर है हमारा, तो नहीं जहर मुक्त हिंदुस्तान तो वो चलता रहेगा। उसको हम कह रहे हैं उसको करते रहिए और उससे जुड़े लोगों को जोड़ लीजिए और बाकी लोगों को जोड़ बिल्कुल लीजिए बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल 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 अभी ज्यादा मेहनत इस तरफ कर दीजिए। क्यों? क्योंकि यदि अज्यूम करिए कि हम दिसंबर में यदि अपने चंद्रगुप्तों को, अच्छा चंद्रगुप्त कौन है? आपके ही बीच के लोग हैं ना जो ज्यादा लोगों को जोड़ेंगे। तो जी जी कल जितेंद्र शर्मा यदि अज्यूम करिए सबसे ज्यादा लोगों को जोड़ते हैं और नंबर वन पे आते हैं तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? जितेंद्र शर्मा बनेंगे। तो ये बताइए कोई आज की व्यवस्था में कौन किसी दूसरे के सिर पे ताज रख रहा है? और वो क्या कह रहा है कि जिम्मेवारी मैथिलीशरण गुप्त की है। वो क्या कह रहा जी है कि जो ये मुख्यमंत्री रहेगा उसमें कानून और नियम कैसे बदलेंगे उसका भी एक प्रोसीजर बना दिया गया है। आपको मैं समझाऊंगा कि क्या प्रोसीजर है। तो मुख्यमंत्री को हाथ में कुछ नहीं रहेगा, उसको पहले बाहर पकाया जाएगा, तब जो है ना वो विधानसभा में जाएगा और उसमें जो है ना पहले चाणक्य जो कि फील्ड के विशेषज्ञ हैं वो उसको पका के तैयार करेंगे, फिर जनता से जो है ना 5 से 8 बार डिस्कोर्स होगा, फिर जो है ना चंद्रगुप्तों से होगा। यहाँ चंद्रगुप्त से मतलब है विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री, और इनसे जी डिस्कोर्स जो है ना विधानसभा के अंदर नहीं होगा, बाहर होगा और कई बार होगा। जब तक ये लोग पूरा जो ना समझ जाएंगे और पूरी बात से वो क्लियर हो जाएंगे तब जो है विधानसभा में जाएगा, और फिर ये लोग जो है विधानसभा में जो फुल ड्रेस रिहर्सल करेंगे और जो बोलेंगे तो विशेषज्ञ भी उनके सामने शर्मा जाएंगे, क्योंकि तब तक ये विशेषज्ञों की पूरी बात आत्मसात कर चुके होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ठीक है ना, को आपने बहुत सही समय पर मेरे साथ मतलब आपका मुलाकात या बात हो रही है क्योंकि हम लोग इस बात को लेकर सभी लोग चिंतित होते थे कि यार अपन जो लोग जमीन पर काम कर रहे हैं जो बिना राजनीति के दखल के या उस तरह से कोई कोई शुरुआत के कुछ बहुत लंबे समय तक चल नहीं पाएगा ये खा जाएंगे अपने को, तो कोई ऐसा आ नहीं रहा। केजरीवाल ने जो विश्वास तोड़ा उसके बाद आप में तो तो कोई कह रहे राजनीति में विश्वास करने के लिए भी तैयार नहीं है। जितेंद्र जी, आप तो कह रहे ये खा जाएंगे, ये मतदान के पहले अपनी हार स्वीकार करेंगे, ये मैथिलीशरण गुप्त का वादा है।
यदि आप मैथिली संघ गुट के प्रति समर्पित हो जाइए। और जो मैथिली संघ, देखो एक चीज तो आपने देखी है कि मैथिली संघ गुट में कुछ ना कुछ हटके है, ये तो बात मानी वो तो देखा है, आपने, देखा है उस समय के राजनेताओं को भी देखा है आपने, इस गुने में ये भी देखा था कि पहले राजनेता जो है उन्हीं के कहने पे FIR दर्ज होती थी, इसी गुने में होती थी कि नहीं होती थी? नहीं बिल्कुल होती थी, हमने तो ये देखा, हमने तो उनकी मोटे तौर पर मैं आपको बता दूं कि जो बिल्डिंगें राजनेताओं के संरक्षण के चलते टूट नहीं रही थी, आपकी कार्यकाल में वो टूटी है, हमने ये देखा है। हाँ, और किसी की औकात नहीं हुई कि वो खड़ा होकर विरोध कर दे, ये बात भी है, बिल्कुल बिल्कुल देखा है, मतलब कोई लाइन ऑर्डर क्रिएट नहीं हुआ। ये तो मेरा वही कहना है कि उस डिटर्मिनेशन का व्यक्ति, उस अनुभव का व्यक्ति, और उस जिसने जो ना इतनी सारी टेक्नोलॉजी भी डेवलप करके रखी, अब तो वो बहुत स्ट्रांग है। उस समय तो वो रंगरूट था देखा जाए तो, ठीक है ना, क्या था, रंगरूट ही कहलाया ना, कुछ साल, कुछ बहुत कम सालों का अनुभव वाला छोटा सा रंगरूट है, कद में भी छोटा और उम्र में भी छोटा। नहीं बिल्कुल, आपको याद है कि जब इन लोगों ने बदमाशी की तो दशहरा को जो ना रावण को गिरफ्तार किया गया, अगले दिन रावण का दहन हुआ था, याद है आपको? बिल्कुल हाँ याद है, बिल्कुल। हाँ, वो अपने आप में मेघा से अनूठा रहा होगा कि जिसमें रावण को गिरफ्तार किया गया, क्यों? बिल्कुल बिल्कुल याद है, बिल्कुल। इसीलिए तो मतलब यहाँ मैंने आपसे जब बात की तो शुरुआत आपने वहीं से की थी कि आप, मैं उससे बात कर रहा हूँ जैसे हमारे इस गुना शहर में आज भी लोग नायक के रूप में याद करते हैं। जी 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 तो चलिए जितेंद्र जी, अब पूरी शक्ति लगा दो, समय कम है, समय कम है, और सबसे पहले हमें संगठन खड़ा करना है, राइट? मुझे तो आप सिर्फ इतना बता दीजिए कि मुझे कहाँ पर किस तरह काम करना है, मैं आपको एक बिल्कुल ईमानदारी से बता रहा हूँ दादा, इसको आप बिल्कुल जो है ना आप निर्णय। अच्छा, अभी पदों का कोई लालच नहीं किया कभी, हाँ। मैंने मतलब पैसों को लेकर या इस तरह की कामों को लेकर मैंने कभी भी अपने आप को नहीं रखा, मैंने यही सोचा है कि इस देश को, क्योंकि हम तो मर के चले जाएंगे, आने वाली पीढ़ी कैसे सुखी और सुरक्षित रहे, ये करके जाना। अच्छा, ये बताइए, आपने क्राइम फ्री भारत मिशन का जो है ऐप को डाउनलोड कर लिया क्या? हाँ कर लिया, मैं तो वहाँ जाके देखा, मैंने आपका 1 बजे मीटिंग का उसमें मैंने पढ़ा था। अच्छा, आपने मुझे अपने आइडेंटिटी कार्ड और डॉक्यूमेंट भेज दिए हैं क्या? नहीं अभी नहीं भेजे, मैं भेजने वाला था। अच्छा, एक मिनट, अभी आप जो है उस ऐप को खोलिए, जरा खोलिए, खोली खोली, आप उसी से आपको पढ़वाएंगे ना, मजा आएगा आपको। ऐप खोल लिया आपने? हाँ मैं खोल रहा हूँ, उसमें थोड़ा सा समय लग जाता है। जी खुल गया, सबसे ऊपर उसमें अबाउट कम्युनिटी है, सबसे ऊपर लेफ्ट साइड में। हाँ कम्युनिटी के बारे में, हाँ, अब उसमें रीड मोर पे बटन पे दबा दीजिए साइन। हाँ अपराध मुक्त भारत मिशन के लक्ष्य हैं अंग्रेजों के गुलामों के लिए बनाए गए। एक मिनट, अब जो है ना प्रत्येक लक्ष्य को आप पढ़िए और मैं उस पर कॉमेंट्री दूंगा, और चूंकि ये रिकॉर्ड हो रहा है तो आपको मालूम भी पड़ जाएगा और साथ में मेरी कॉमेंट्री जन सामान्य को भी चली जाएगी। लेकिन दादा आपकी 1 बजे से मीटिंग है ना? नहीं नहीं वो मीटिंग हमारे बच्चे लेते हैं। अच्छा, वो उस मीटिंग में मैं सम्मिलित जनरली नहीं होता हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ। तो अंग्रेजों के गुलामों के लिए बनाए गए नियम कानून का आमूलचूल परिवर्तन होगा। तो पहली बात कही है कि जो दुष्टता पूर्वक इन राजनेताओं ने समझौते के तहत सो कॉल सत्ता हस्तांतरण कराया और हमारे ऊपर उन्हीं गुलामों के नियम कानून जो 1857 की क्रांति को दबाने के हिसाब से बनाए गए थे, वो सब नियम कानून जो है हमारे ऊपर आज भी थुपे हुए हैं और इन दुष्ट राजनेताओं की सोच और चिंतन का हिस्सा नहीं है, उन्हें हटाना। अपराध मुक्त भारत मिशन कहता है कि इसमें आमूलचूल परिवर्तन कर दिया जाएगा। अंग्रेजों की बादशाही क्रूर व शोषक व्यवस्था को पारदर्शी एवं क्षतिपूर्ति के प्रावधान के साथ अकाउंटेबल बनाया जाएगा। तो अभी अंग्रेजों ने चंद मुट्ठी भर, अंग्रेजों ने भारतीयों को भारतीयों के बाहर का यूज करते हुए, शोषण करते हुए क्रूरता पूर्वक जो व्यवस्था बनाई थी, हमारे इन दुष्ट राजनेताओं ने वो ना केवल व्यवस्था बनाई बल्कि उसे एज इट इज जो है ना हमारे ऊपर थोप दिया। इस दौरान जो थोड़े बहुत संशोधन भी किए गए उसमें इस व्यवस्था को और ज्यादा अधिकार दे दिए हैं। ये व्यवस्था जो है, जो घटिया कानून है उनका भी पालन नहीं कर रही है और ये दुष्ट राजनेताओं की चरण सेवक बन गई है। आज जो है चारों तरफ त्राही त्राही मची हुई है, आदमी के सही अपराध पंजीयन नहीं हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर लोगों के झूठे घटिया फर्जी जो है ना दबाव बनाने वाले के लिए
झूठे अपराध जो है बाहुबलियों, धनबलियों और राजनेताओं के कहने पर हो रहे हैं, और दो झूठे हमारे सही केस में गिरफ्तारी नहीं होती है और उनके झूठे केस में दो फर्जी बयान काट के आपको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है, आप जमानत कराने के लिए मजबूर हैं और यदि पैसे नहीं है तो आप जेल में सड़ने के लिए मजबूर हैं। अब यह व्यवस्था पारदर्शी, अकाउंटेबल होगी और संवेदनशील भी होगी, इसे समय पर और सही निर्णय लेना होगा, अन्यथा इसे अपनी जेब से लाखों रुपए का फाइन देना होगा जो इसकी औकात की बाहर होगी। और एक चीज और भी बता दूं मैं, इस देश से जो है पेपर करेंसी मुक्त करने का हमारा निर्णय है, तो जब पेपर करेंसी मुक्त हो जाएगा तो ये दुष्ट लोग घूस भी नहीं ले पाएंगे, तो इन्हें जो है अपनी तनख्वाह से ही पैसा देना होगा जो इनकी औकात की बाहर हो गया, लिहाजा ये सही समय पर और सही निर्णय लेने के लिए बेबस होंगे। एक चीज मैं आपको और बता दूं, आज की जो तानाशाही व्यवस्था में जो लोग हैं, जो सबॉर्डिनेट पद पर जो लोग हैं, वो एक बड़े मंसूबे से जो लोग आए हुए थे, आज वो घटन महसूस कर रहे हैं, उन्हें इन्हें इन क्रूर शासकों के अवैधानिक आदेशों का पालन करना पड़ रहा है, तो क्राइम फ्री भारत मिशन इसमें भी आमूलचूल परिवर्तन करेगा। आने वाले समय में क्राइम फ्री भारत मिशन के समय में किसी की एसीआर कोई बॉस नहीं लिखेगा, उसकी एसीआर जो है ना उसके काम से एक्सट्रैक्ट की जाएगी और वो परफॉर्मेंस इंडेक्स में कन्वर्ट कर दी जाएगी, उसी के आधार पर पदोन्नतियां भी होंगी और उसी के आधार पर प्रतिस्थापनाएं होंगी। लिहाजा जो स्थानांतरण उद्योग मचा के रखा है इन दुष्टों ने, राजनेताओं ने और अधिकारियों ने, वो समाप्त हो जाएगा। कंडक्ट रूल में एक परिवर्तन किया जाएगा जिसके तहत अधीनस्थ को यदि ऊपर वाले ने कोई गलत निर्णय लिया है तो उसे कारण सहित जो है रिव्यू के लिए सबमिट करना होगा, यदि वो ऐसा नहीं करता है तो वो भी उसी अपराध का भागीदार होगा, और यदि वो उसे सबमिट करता है और उसके बाद उससे ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति अपनी दृढ़ उसमें सेखी में, ईगो में या किसी अन्य कारण से वो गलत निर्णय पर यदि वो अडिग रहता है तो उसे मान्य तो किया जाएगा, लेकिन यह पूरा कंटेंट जो है एक कमीशन के पास चला जाएगा। जब उस अधिकारी का पाप का घड़ा भर जाएगा तो उसको बुलाया जाएगा और हर चीज पे उसको तलब किया जाएगा, यदि वो अपने निर्णयों को नहीं समझा पाएगा, नहीं कर पाएगा, तो उसकी नौकरी भी चली जाएगी और उसे क्षतिपूर्ति भी देना होगी। अब बताइए, जो व्यवस्था में शासकीय सेवा में जो लोग बैठे हुए हैं कनिष्ठ पदों पे, जो आज जो है उनकी स्थिति गुलाम जैसी हो गई है, वो सभी कर्मठ हो जाएंगे, सभी की पूरी एनर्जी काम में जाएगी और वो जो है देश हित में, देश चिंतन में ठीक ढंग से खुलकर काम कर पाएंगे। कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट। तो उस काम की उनकी गुणवत्ता बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? बिल्कुल बढ़ेगी। उनकी पूरी एनर्जी काम में ही जाएगी कि नहीं जाएगी? बिल्कुल जाएगी। आज जो लोग बाग न्याय के लिए भटक रहे हैं और ये भ्रष्टाचार करने के बावजूद भी उनको न्याय नहीं दे रहे हैं, उस सब का समाधान अपने आप हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल होगा। चलिए तीसरी बात पे पहुंचिए। हाँ, आपने बहुत शानदार मतलब अभी इसको बताया। तीसरा बात है, मतलब जो बहुत शानदार है, जिसके लिए हम लोग मतलब चिंतित भी रहते हैं, भारतीय शिक्षा अधिनियम को बदलकर भारतीय गुरुकुल अधिनियम लाया जाएगा, जो भारत को वैदिक ज्ञान व आधुनिक विज्ञान का उपयोग कर भारत को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करेगा। तो मेरा केवल इसमें इतना ही कहना है कि हमारा जो वैदिक ज्ञान है वो ऋषियों मुनियों ने अपने अध्यात्म के, अपने मेडिटेशन के आधार पर कॉस्मिक्स को देख के उन्होंने वो ज्ञान पाया था, राइट? उस ज्ञान को समझने और सोचने की शक्ति आज के मानव में नहीं है, राइट? जैसे जैसे गीता में भगवान ने कहा था कि हमारे वरुण रूप को, विराट रूप को देखने की शक्ति आपके इन आंखों में नहीं है, तो उन्होंने अर्जुन को दिव्य चक्षु दिए थे, राइट? अब हमारे पास दिव्य चक्षु नहीं है, तो ये गैप हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट से पूरा करेंगे, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के माध्यम से जो चीजें हमारी नाके, जो आंख नहीं देख पा रही है, उसे हम उसे महसूस भी करा पाएंगे और उसे आम जनता तक जो है ना पहुंचा भी पाएंगे, और आम जनता उसे मान्य भी करेगी। तो उसे मान्य इसलिए नहीं करेगी कि वेदों में लिखा है, मान्य इसलिए करेगी क्योंकि उसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हिसाब से आज की बुद्धिमत्ता के अनुकूल जो है समझाने की हम शक्ति प्राप्त करेंगे। इस प्रकार भारत जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब बनकर विश्व गुरु के रूप में स्थापित होगा।
बहुत बढ़िया जरा गजब गजब। इसमें चौथा पॉइंट है, बहुत शानदार है, अपराध मुक्त भारत 5 सुनिश्चितताओं के साथ। आ, बिना थाना जाए गांव के गरीब व साधन विहीन व्यक्ति की भी FIR दर्ज होगी। वह 15 दिन में इसमें मुझे जरा एक्सप्लेन करने दिया जाए। इसमें जो है सिस्टम में 5-6 तरीके रखे गए हैं, लेकिन सबसे अच्छा तरीका है ऐप को लेके हमारा वॉलंटियर पहुंचेगा और उसके घर में जो ही बैठ के FIR दर्ज हो जाएगी और वो पुलिस वाला नहीं होगा, राइट। और वो जो है आपके घटना स्थल का भी दर्शक बन जाएगा और वो आपके आपके खुद के जो है ना चेहरे का, आपके गांव का दर्शक भी बन जाएगा, तो वो एक गवाह भी होगा, राइट। और उस ऐप के माध्यम से यदि भाषा को समझने में कोई दिक्कत है तो उस लैंग्वेज का इंटरप्रेटर आ जाएगा, और हमें चूंकि धन की वर्षा करना है तो हम एक वकील को भी लेके आएंगे और वो वकील जो है ना वही धाराओं को बताएगा, और कोई अतिरिक्त जानकारी लेना है तो वो ले लेगा। उसी के ऐप में जो है कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट लगा दिए जाएंगे कि हम 3D के माध्यम से मेजरमेंट कर पाएंगे, तो कई बार जो है जो दुष्ट लोग डॉक्टर के की रिपोर्ट को मैनिपुलेट करा लेते हैं वो सब चीजें भी नहीं हो पाएंगी। तो हमारी FIR की गुणवत्ता बहुत हाई होगी, बहुत हाई गुणवत्ता का होगा। और इसमें ये ध्यान रखा गया है कि यदि कोई व्यक्ति झूठी रिपोर्ट लिखाएगा तो 211-182 को संज्ञेय अपराध बना दिया जाएगा, और जिस तरह की झूठी रिपोर्ट होगी उसी तरीके का अपराध होगा। तो यदि कोई व्यक्ति हत्या का झूठा रिपोर्ट करेगा तो उसे हत्या का सजा मिलेगा, ऐसा जो है ना कानून में प्रावधान कर दिया जाएगा। लिहाजा जहां एक ओर आपकी FIR दर्ज होगी, वहीं दूसरी ओर गलत FIR दर्ज होने पर आप जेल में सड़ेंगे। अब आप भी पॉइंट पे जाइए। क्या बात है दादा, मजा आ गया सुनकर ही, मतलब एक्सप्लेन करने में बताने में लोगों को इतना आनंद आएगा। मैं थोड़ा सा यहाँ अपनी बात कह दूं कि मैं जब ये काम कर रहा था जी को लेकर, तो मैंने कहा यार कि मेरे जो नेचर है, मतलब मैं बहुत एग्रेसिव हूँ, मतलब मैं बहुत आक्रोश में कुछ बोलता हूँ, मुझे बहुत डाउन करना पड़ रहा है, मतलब मैं पूरे को बहुत प्यार से बोलना पड़ता है चीजों को लेकर, लेकिन मेरे अंदर आक्रोश है, वो आक्रोश को आपने यहाँ गति दे दी, कम से कम उस आक्रोश का सही उपयोग मैं लोगों को समझाने में कर पाऊंगा। मेरे अंदर तो आक्रोश भी है, दुख भी है, लज्जा भी आ रही है, कई बार जो है ना बहुत कष्ट होता है मुझे, और वो पीड़ा कई बार आप मेरी आवाज में महसूस कर सकते हैं। नहीं नहीं बिल्कुल कर सकता हूँ, और मैं तो अभी अपनी भाभी से बोल रहा था, मैंने जब आपके बारे में बताया कि मैंने कहा एक गुनाह में मैथिली शरण गुप्त जी थे तो उनको समझ में नहीं आया, लेकिन जैसे ही मैंने कहा कि आपको मालूम है कि गुनाह में एक बार बहुत जबरदस्त तोड़फोड़ हुई थी, उन्होंने कहा हाँ याद है, उसमें ये टूट गया था, वो टूटा था, ये हुआ था, मैंने कहा बस वही है। हम जिस बुलडोजर की बात करते हैं आज, आप तो उस समय बुलडोजर थे जिस समय तो उसका कोई दामो निशान नहीं था। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात। तो मेरी भाभी ने आपको मतलब उस चीज से पहचाना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए अगला है, 15 दिन में अकाट्य साक्ष्यों की मदद के साथ अधिकतम 15 दिनों में चालान पेश होगा। तो एक ऐसा क्राइम फ्री भारत का टेक्नो इंजन बना लिया गया है जिसके माध्यम से आज जो पुलिस सोच नहीं पा रही है उन साक्ष्यों को इकट्ठा किया जा सकेगा और उसे एडमिसिबिलिटी सर्टिफिकेट और चेन ऑफ कस्टडी के सर्टिफिकेट ऑटो जनरेट होकर उस एविडेंस से अटैच हो जाएंगे और वो एविडेंस जो है अकाट्य साक्ष्य, इनफेलिबल एविडेंस बन जाएगा, जिसको हिंदी में अकाट्य साक्ष्य कहते हैं। और ये सब कार्रवाई 15 दिन के अंदर, अधिकतम 15 दिन, मतलब 24 घंटे से लेके 15 दिन की अवधि में चालान तैयार होकर पेश हो जाएगा। 15 दिन के बाद कोई भी ऐसा समय नहीं होगा, जब एक भी ऐसा केस नहीं होगा जिसे 15 दिन से ज्यादा का समय लगेगा। एक चीज और बता दूं इसमें, जो अभी 3 तरीके के ऑफेंस हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस और सिविल ऑफेंस, ये अंतर खत्म कर दिया जाएगा। अब एक ही तरीके से होगा, आप जो है ना उसके लिए आपको कोर्ट में सिविल ऑफेंस के लिए जाने की जरूरत नहीं होगी, एक ही जगह पे सुनवाई होगी, आपके घर में ही सुनवाई होगी, रजिस्ट्रेशन होगा, आपको कोई लाइसेंस फीस नहीं देना होगी जो सिविल केसेस में देना होती है, वो कोई फीस जमा नहीं करना होगी, उल्टा रिपोर्ट करने के लिए आपको धन मिलेगा और चारों तरफ धन की वर्षा होगी। फरियादी को धन मिलेगा, गवाह को धन मिलेगा, फॉरेंसिक का जो जांच करेगा उसको धन मिलेगा, वकील को धन मिलेगा, लैंग्वेज इंटरप्रेटर को धन मिलेगा, जो
विटनेस का ट्रायल कराएगा, जिसके लिए मोबाइल वैन से लेकर बहुत सारी चीजें हैं, तो वो डिजर्विंग केसेस में उनका उपयोग भी किया जाएगा और उन सब में धन की वर्षा होगी और पूरी धन की वर्षा ये 5,000 से लेके 1 करोड़ तक की होगी। मतलब एक एक केस में लोग करोड़पति बन जाएंगे और जितना पैसा बांटा जाएगा उसको पूरे को जोड़कर 2 से मल्टीप्लाई करके अपराधी से वसूल किया जाएगा। यदि अपराधी देने की स्थिति में नहीं होगा तो वो कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट से सेटल होने के लिए चला जाएगा और उसके बच्चों को जो है ना मैसेज जाएगा कि आपके पिताजी ने ये गड़बड़ी की थी जिससे उनके ऊपर 100 करोड़ की लाइबिलिटी आ गई है। यदि वो अपने जीवन काल में इसे सेटल नहीं कर पाएंगे तो ये बच्चे जैसे आपको संपत्ति मिलती है ऐसे ही जो है आपको ये लाइबिलिटी भी ट्रांसफर होगी। तो आप बताइए आपके बच्चे ये कहेंगे कि नहीं कहेंगे कि भाई साहब छोड़िए आप तो जो है हमें कोई संपत्ति नहीं चाहिए, ये लाइबिलिटी आप खुद क्लियर करिए। तो उस अपराधी के ऊपर इतना प्रेशर जनरेट हो जाएगा कि आगे चल के वो थाने में रिपोर्ट होने का इंतजार नहीं करेगा। उससे धोखे से यदि कोई अपराध हो जाएगा तो वो जाके खुद सरेंडर करेगा कि भैया मुझसे धोखे से ऑफेंस रजिस्टर हो गया है, वो कमिट हो गया है, मैं एक तो एफिडेविट देता हूं कि भविष्य में कभी नहीं होगा और जो भी आप हमको दंड देते हैं वो भी मुझे स्वीकार है। क्यों? क्योंकि जो 1 करोड़ रुपए जो है ना फालतू में बांट रहे हैं और 2 से मल्टीप्लाई करके वसूल कर रहे हैं वो देने की उसकी औकात नहीं है। राइट। अभी मुंबई की एक महिला को 80 साल में जाके न्याय मिला है। न्याय मतलब क्या, उसको न्याय तो नहीं बोलेंगे, उसको फ्लैट वापस मिला है दो, मतलब 80 साल बाद। जब वो 16 साल की थी तब उसने केस शुरू किया था, आज 96 की है वो। आप ये बताइए यदि उसे 3 दिन या 30 दिन में न्याय मिल गया होता तो उसका जो है वो अपना जो है जो उसका युवा पीरियड था उसे वो कितने अच्छे ढंग से बिता पाती, और जो इस केस को लड़ने में उसने धन बिताया, समय बिताया और चिंता की उस सबसे बच जाती, उसकी जिंदगी कितनी अच्छी हुई होती। 10 साल से तो मैं ही लड़ रहा हूँ अपने केस को, और उसमें जो है सिवाय झूठे साक्ष्यों और झूठे कथन और झूठे सफर पत्रों के माध्यम से सिर्फ तारीखें बढ़ रही हैं और कुछ नहीं हो रहा। मैं तो झेल रहा हूँ ना। तो ये भविष्य में ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि नियम बिल्कुल इसको समझ रहा हूँ दादा। साल भर यदि ये इम्प्लीमेंटेशन इस पर हो गया ना तो अगले साल से लोग अपराध करेंगे ही नहीं। जो आपने कहा ना कि गलती से कर भी दिया, जानबूझ के भी कर दिया, तो खुद जाके सरेंडर करेगा, और अगर उसके बच्चों के पास में ये बात पहुंच जाएगी तो बच्चे कहेंगे साहब आप हमसे 2 लाख करोड़ रुपए ले लो और DNA रिपोर्ट में लिख दो कि हमारा बाप नहीं है। बहुत सुंदर। आगे बढ़ो जी। सा बिना कोर्ट जाए अधिकतम 30 दिनों में सजा सुनिश्चित होगी। तो क्राइम फ्री भारत ने ऐसा वीडियो बेस्ड डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रायल सिस्टम पैदा कर दिया है कि ना तो जज जो है कोर्ट में जाएंगे, ना ही गवाह जाएंगे, ना कोई जाएगा। डिजर्विंग केसेस में मोबाइल विटनेस बॉक्सेस होंगे लेकिन सामान केसेस में उसकी भी जरूरत नहीं होगी, और आज की तुलना में 1,000 गुना ज्यादा ट्रांसपेरेंट, और 3 दिन से 30 दिन के अंदर आपको न्याय मिल जाएगा। इसमें न्यायाधीशों की और वकीलों की संख्या बाधा नहीं बनेगी। ये इसमें दाम में लिखा हुआ है डिजिटल चित्रगुप्त, ये क्या होता है दादा? ये जो है क्राइम फ्री भारत ने जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो एविडेंस इकट्ठे किए हैं तो हर अपराधी का 360 डिग्री में जानकारी उसके पास पहुंचेगी। हमारा जो चित्रगुप्त आज का है, जो यमराज का चित्रगुप्त या भगवान का चित्रगुप्त जिसे कहते हैं, उसके पास भी सभी वीडियो क्लिप पहुंचती हैं। जब आपकी आत्मा मर के वहां पहुंचती है तो उसको वो वीडियो क्लिप दिखाई जाती है, राइट? और उस वीडियो क्लिप के आधार पर फिर ये निर्णय लिया जाता है कि आपने पाप पुण्य किया, कितना पुण्य किया है, और आपको स्वर्ग भेजा जाना है या नरक भेजा जाना है। तो ऐसा ही क्राइम फ्री भारत ने हर अपराधी का 360 डिग्री में पूरी जानकारी उसके पास होगी, उसके पास कब क्या व्यक्ति से बात कर रहे हैं। अरे मित्र हैं, मुकेश भाई सांगोद से, राजस्थान से, उनको भी जोड़ लीजिए। मैंने उनको जोड़ लिया, अभी कॉन्फ्रेंस में जोड़ लिया आपके साथ। बहुत सुंदर। तो वो कम से कम आगे की बात सुन पाएंगे, और बाकी की बात जो है वो यदि टेलीग्राम को डाउनलोड करके मुझे हेलो भेजेंगे तो रॉ फॉर्म में उनको अभी मिल जाएगी, और आगे चल के कल जो है ना उनको क्राइम फ्री भारत से मिल जाएगी वो। मुकेश भाई जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। मेरे साथ में आदरणीय मैथिली शरण गुप्त जी है जो मध्य प्रदेश में DGP रहे हैं और हमारे गुना शहर के पुलिस अधीक्षक भी रहे हैं जी। वर्तमान में क्राइम फ्री भारत का एक बड़ा मिशन चला रहे हैं जी।
आज ही मेरी इनसे चर्चा हुई है और क्राइम फ्री भारत में ये तमाम सारे नेताओं पर नकेल डालने की योजना पर काम कर रहे हैं। जी बहुत अच्छा। और जितना भी जो क्राइम हो रहा है निचले स्तर से लेकर हायर लेवल तक उसको किस तरह से कंट्रोल की जाए, उसको स्टेप बाय स्टेप किस तरह से कंट्रोल करेंगे उसका पूरा इन्होंने मतलब मैप तैयार कर रखा है, उस पर भी इनके साथ में डिस्कस चल रहा था। जी मैंने ऐप खोल रखा है इनका, वो जो क्राइम फ्री भारत वाला, उसमें सारी जानकारी है। तो दादा ने मुझसे ये कहा कि आप उसको जो ना मुझे प्रमाण करके मुझसे पूछिए, मैं गाड़ी की गाड़ी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो उसमें चर्चा कर रहा था, आप इसमें जुड़े रहना चाहेंगे? जी बिल्कुल। दादा ये मुकेश भाई है, सांगोर से राजस्थान से किसान है और किराने की दुकान करते हैं, हमारे गैर मुक्त हिंदुस्तान के प्रमुख भी यही है। बहुत सुंदर, इनको अपन आगे जिम्मेवारी भी देंगे। अभी इस चिंतन को जो है ना ये भी सुने ध्यान से, आप बात को आगे बढ़ाइए। तो ये डिजिटल चित्रगुप्त है, ये भगवान का चित्रगुप्त जैसा ही क्राइम फ्री भारत का चित्रगुप्त है और विभिन्न साधनों से अपराधी की हर खबर इसके पास पहुंचेगी। हाँ मैं तो पूरा पढ़ाता हूँ, तब आप इसको एक्सप्लेन कर दें दादा। डिजिटल चित्रगुप्त की हर अपराधी के बारे में 360 डिग्री जानकारी एवं स्मार्ट इंटरवेंशन कार्रवाई के द्वारा अपराध करने से पूर्व अधिकांश अपराधियों को गिरफ्तार किया जा सकेगा। अपराध करने से पूर्व ही गिरफ्तार हो जाएंगे? यस जी यस। ये कैसे? कि सभी अपराधियों की पूरी जानकारी होगी और अपराध करने का काम अलग समय होता है, तरीका अलग होता है। तो यदि आप शाम को या रात को कहीं निकल रहे हो तो आप कार्यालय के काम से नहीं जा रहे हो, राइट? तो जब आप निकल रहे हो तो वो अनुमान लगाएगा आपके बारे में कि आप क्या नियत से निकल रहे हैं। उसके बाद जो है ना डिफरेंट तरीके से फीड आएगी तो उसे ये भी मालूम रहेगा कि आपके साथ कौन कौन है और आप किस साधन से जा रहे हैं। वो आपके पूर्व कंडक्ट से कुछ कुछ चीजें निकालेगा, वो हम सब चीजें आपको नहीं बताएंगे क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल है। तो वो ये भी मालूम कर पाएगा कि आप किस रास्ते से जा रहे हैं और आपके अपराध का टारगेट कौन है। जब आप अपराध करने निकलेंगे तो बीच की नोट जो है सिस्टम को कंफर्म करेंगी कि हाँ सिस्टम का प्रेडिक्शन सही है, राइट? और फिर सिस्टम अपने अनुमान से जहां उसे गिरफ्तार करना होगा उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके अपराध करने के पहले गिरफ्तार कर लेगा और जेल भी भेजेगा। तो जेल मुफ्त में मिलेगी, बिना अपराध किए ही जेल में जाना पड़ेगा। ये आपका यह सिस्टम है इसमें लिखा है वो शानदार है, सिस्टम स्वयं अपराधियों तक पहुंचकर उन्हें सुनिश्चित से पुनर्वासित करेगा। तो यदि अपराधी को आप अपराध नहीं करने देंगे और यदि उसके पेट की आग भी शांत नहीं होगी तो वो जेल जाने के लिए अपराध करेगा, राइट? तो वो जेल जाने के लिए अपराध ना करे, इसलिए सिस्टम खुद अपराधी के पास पहुंचेगा और उसको जो भी ट्रेनिंग की जरूरत है, जो भी चीज की जरूरत है उसको पूरा करते हुए उसको पुनर्वासित कर देगा। वो एक जिम्मेवार नागरिक बन जाएगा और अपराध करने की तो ना उसकी हैसियत होगी ना औकात होगी। ये हम करना चाहते थे लेकिन कैसे करें ये मतलब आपने बता दी। के बाद है व्यक्ति एवं कृत की सुनिश्चित डिजिटल पहचान से साइबर क्राइम मुक्त भारत होगा। तो भारत में कोई भी अनोनिमस व्यक्ति नहीं घूम पाएगा। यदि सिस्टम किसी अनोनिमस व्यक्ति को डिटेक्ट करेगा तो एक सायरन कर देगा, वो व्यक्ति गिरफ्तार हो जाएगा और जो गिरफ्तार करेगा उसे मिनिमम 10,000 रुपए मिलेगा और उस व्यक्ति से 20,000 रुपए वसूल कर लिया जाएगा। मतलब एनोनिमस व्यक्ति जो दूसरे के लिए घातक हो सकता है, उसकी सुरक्षा के लिए एक चिंता का विषय हो सकता है, ऐसा एनोनिमस व्यक्ति सिस्टम में नहीं रहेगा। और डिजिटल एविडेंस क्रिएट और कैप्चर होते रहेंगे। यदि वो धोखे से साइबर क्राइम करेगा तो साइबर क्राइम करने के पहले ही गिरफ्तार हो जाएगा। इसके बारे में बहुत सारे वीडियोज हैं, कभी विस्तार से करके उसको विस्तार से समझाएंगे तो बहुत समय लगेगा। नहीं नहीं विस्तार से मैं समझाइए आप, तो मतलब मैं इसके बारे में जानकारी आपसे लेता रहूंगा और जैसे जैसे हम शाम को आगे बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे मेरे को वो अनुभव वो आपके कार्यों का जो आपकी वो है पूरी योजना वो मेरे को समझ में आती जाएगी। जी छठा इसमें है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950-51 में आमूलचूल परिवर्तन कर पार्टी विहीन प्रजातंत्र एवं खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था स्थापित की जाएगी। पॉलिटिक्स एग्जीक्यूटिव पर विधायक का प्रतिकीकरण होगा, मंत्री अब मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री की कृपा पर आश्रित नहीं होंगे,
सभी 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण करेंगे। ये तो बहुत शानदार दादा, कैसे करोगे? ये तो बहुत आसानी से होगा। इसमें जो है, जो पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1950-51 है, उसमें आवश्यक संशोधन कर दिए जाएंगे। इसमें 1-to-1 कैनवासिंग जो है ना प्रतिबंधित रहेगी, क्योंकि जब आप बड़े नेता बन रहे हैं तो आप मिलके क्या कहना चाहते हैं, मैं भी पंडित तुम भी पंडित, या आप पैसा बांटना चाहते हैं, दारू बांटना चाहते हैं, साड़ी बांटना चाहते हैं। तो इस व्यवस्था में खर्च करना एक अपराध होगा, और ये आगे चल के इसमें पार्टी विहीन प्रजातंत्र लाया जाएगा। और 2 लेवल पे चुनाव होंगे, पहले लेजिस्लेचर का चुनाव होगा और उसी समय जो है लेजिस्लेचर से मंत्रियों का चुनाव होगा, जिसको हम पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कह रहे हैं, राइट। तो हर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को ये का जो है ना चुनाव इस बात पे होगा कि वो उस पद के लिए काबिलियत रख रहा है। तो होम मिनिस्टर को बताना पड़ेगा कि क्यों भैया हमको होम मिनिस्टर आज चुनो, राइट। तो जो 5-6 लोग जो है जो जो होम मिनिस्टर की चाह रखे होंगे, उन्हें पूरा अपना वो बनाना पड़ेगा कि हमें क्यों आप होम मिनिस्टर बनाइए। और इसके बाद जो है विधायक उसको वोट देंगे और वो जो है परमानेंट तौर पर जो है गृह मंत्री, अर्थ मंत्री, जो भी बनना है वो बन जाएगा, वो मुख्यमंत्री की कृपा पे नहीं रहेगा, राइट। नंबर 1। नंबर 2 जो है इमीडिएटली वो लेजिस्लेचर का हिस्सा भी नहीं रहेगा, तो वो विधायिका में जाके बैठेगा, विधानसभा में जाके बैठेगा, लेकिन उसका वो वोटिंग पावर वाला सदस्य नहीं होगा। वो सदस्य तो होगा लेकिन उसे वोटिंग का पावर नहीं रहेगा, राइट। तो वो विधानसभा में 2 कामों के लिए बैठेगा, एक काम तो उसका रहेगा प्रश्नों का जवाब देना, और दूसरा उसका काम रहेगा कि कानून के ड्राफ्ट लाके उसको समझाना, लेकिन वोट दे के पास नहीं करा पाएगा। उस पर जो है हर सेक्शन पे डिबेट होगी और फिर उस पर जो है वो होगा, वोटिंग होगी, राइट। तो इस तरीके से पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव विधायिका से अलग हो जाएंगे, वो अपना पूर्ण काल कर पाएंगे, उन्हें किसी बीटो की जरूरत नहीं होगी, बहस कुंठित नहीं होगी। और जो आजकल ड्रामा नाटक जो अभी महाराष्ट्र में हुआ है, उसके पहले कर्नाटका में हुआ है, उसके पहले मध्य प्रदेश में हुआ है, और राजस्थान में भी करने की कोशिश की गई जो नहीं हो पाया है, ये सब ड्रामा नाटक की जरूरत ही नहीं होगी, ना ही ये संभव होंगे। कैसा लगा ये? अरे मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप मेरे सामने बैठे हुए, मैं सुन रहा हूँ आपको जी, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब मैं शायद राजीव भाई को सुन रहा हूँ जी 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 कई जगह पर जी जी जी, क्योंकि अगला जो 7वां पॉइंट है उसमें राजीव भाई की झलक दिखती है। मुझे पेपर करेंसी मुक्त एवं कर मुक्त भारत, टैक्स फ्री भारत, राजीव भाई बहुत कहते थे कि टैक्स फ्री कर दो पूरा भारत को। तो भारत में हथियार माफिया टुकड़े टुकड़े गेंद मुक्त हो जाएगा, बहुत शानदार दादा, कैसे कहेंगे? तो ये बहुत आसान है। अभी हमने आपसे कहा था कि हम अपराध मुक्त भारत में धन की वर्षा करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करके अपराधी से वसूल करेंगे, राइट। और ये हर चीज में होगा, जैसे मान लो आप मोटर व्हीकल एक्ट में भी कर रहे हैं, तो जो कैप्चर करेगा उसे आधा पैसा मिल जाएगा। तो इस तरीके से लोगों की रक्षा होगी, नंबर 1। और शासन के पास जो है ना इतना पैसा पहुंचेगा कि अपराध मुक्त भारत से आज जो शासन कमा पा रहा है 10 गुना पैसा पहुंचेगा, और इतना ही 10 गुना पैसा पेपर करेंसी मुक्त भारत से होगा, राइट। तो पेपर, अभी जो पेपर करेंसी को बनाने में रखने में इससे जो ढेर सारा हम खर्चा करते हैं वो खर्चा बच जाएगा, और उल्टा जो है हर ट्रांजेक्शन पे 2% की ट्रांजेक्शन फीस होगी। इस 2% की ट्रांजेक्शन फीस से धन की वर्षा होगी, इतनी धन की वर्षा होगी कि आज जो आप नहीं कमा पा रहे हैं, जो सरकार नहीं कमा पा रही है, उससे 20 गुना ज्यादा पैसा होगा। जब आपके पास 20 गुना ज्यादा पैसा होगा तो जनता से टैक्स वसूल करने की क्या जरूरत है? और पेपर करेंसी होगी तो आपके राजीव भाई ने यही बोला था, तो अच्छी बात है। मैंने शायद नहीं सुना इस वाले वीडियो को, लेकिन भारत जो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये क्रांतिकारियों की जितनी बातें हैं, जो क्रांतिकारी विजन रखते हैं, वो कहीं ना कहीं उनके विचार मेल खाते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो मैं ये कह रहा हूँ कि भ्रष्टाचार होना संभव नहीं होगा। जब नोट ही नहीं होंगे तो हवाला नहीं होगा, ड्रग माफिया नहीं चल पाएंगे, हथियार माफिया नहीं चल पाएंगे, देश को बांटने वाले जो घातक लोग हैं
जो विदेशी पैसे के टुकड़ों पे पलते हैं, ऐसे टुकड़े टुकड़े गैंग भी नहीं पल पाएंगे, तो भारत की जितनी भी विकट समस्याएं हैं वो सब की सब खत्म हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी, और देश जो है कर मुक्त होगा। और एक चीज और बता दूं, यहाँ किसी की चेक बाउंस नहीं होगी, तो आपके अकाउंट में पैसा नहीं भी होगा तब भी आपकी चेक क्लियर होगी। आप जो है डिजिटल ट्रांजेक्शन भी करेंगे, आपके अकाउंट में पैसा नहीं होगा तब भी वो क्लियर होगा, क्योंकि हर व्यक्ति के दो अकाउंट होंगे, एक अर्निंग अकाउंट दूसरा कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट। तो यदि किसी डिस्ट्रेस के कारण आपके अर्निंग अकाउंट में पैसा नहीं है, तो आपके ही कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में उतना अमाउंट डेबिट करके उसे अर्निंग अकाउंट में क्रेडिट करके आपकी चेक क्लियर कर दी जाएगी, और जब आपका पैसा आ जाएगा तो वो धीरे से सेटल हो जाएगा। इस काम के लिए ना आपको कोई ऋण लेना पड़ेगा, ना किसी के सामने हाथ फैलाना करना पड़ेगा, ना मिन्नत करना पड़ेगी। यदि आपके डेबिट बहुत ज्यादा हो रहे हैं तो फिर जो है सिस्टम की टीम आपके पास पहुंचेगी और आपसे कहेगी, जितेंद्र शर्मा जी आपके साथ दिक्कत क्या है, आइए बैठ के समझते हैं, और आपकी जो भी दिक्कत होगी उस दिक्कत का समाधान करेगी। अभी जैसा नहीं होगा कि आपके ऊपर रेड कर दिया जाएगा, आपके अकाउंट सीज कर दिए जाएंगे, और आप जो है ना अच्छे खासे काम कर रहे थे, आपको दिवालिया घोषित कर दिया जाएगा, आपको बेईमान घोषित कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अगला आठवां पॉइंट है, सोच व कार्य की एकाग्रता से नशा मुक्त एवं शाकाहारी एवं आध्यात्मिक भारत होगा। बहुत जबरदस्त जगह। तो बेसिकली नशा मुक्त होना तो संविधान का दिशा निर्देश है, आर्टिकल 47 में भी यही बात लिखी है, और जीवों के प्रति दया करो ये भी आपका जो है संविधान में लिखा हुआ है कि जीवों के करोगे वो नहीं करोगे, आपके ड्यूटी में भी ये बात लिखी है, हमने इसे कोडिफाई कर दिया है। हम आपको जागृत करेंगे, आपके सोच और चिंतन में परिवर्तन लाएंगे, और फिर एक बड़ा भारी कानून होगा कि जो आपको अपंग कर देगा, यदि आप जो है आप सोच भी नहीं पाएंगे। यदि आप किसी की हत्या करेंगे तो आपकी पूरी जितनी भी संपत्ति है वो संपत्ति जब्त हो जाएगी, और मिनिमम 15 साल की जो है ना सजा हो जाएगी। तो आप बताइए, आप किसी गौ माता की हत्या करेंगे क्या? नहीं करेंगे। करें ये भी करें, आपके तो सारे पॉइंट आपने बहुत शानदार लिखे जा रहे हैं। अपराध मुक्त भारत मिशन के एग्रो मॉडल के तहत जीवामृत, घनामृत, अमृत मिट्टी व जीवाणु की उपज पर किसान व खेत की टैगिंग कर किसानों की आमदनी को 5 गुना एवं मजदूरों की आमदनी को 10 गुना किया जाएगा। ये तो बहुत, तो इस मिशन पे आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं, हमारे ढेर सारे वीडियो हैं जो आपको ये बताएंगे कि कैसे जो है ना किसान मनोवाल हो जाएंगे, और कोई भी किसान को आत्महत्या नहीं करना पड़ेगा, किसी भी किसान को कर्ज नहीं लेना होगा। एक बड़ा अनूठा पावरफुल एग्रो मॉडल क्राइम फ्री भारत मिशन ने बनाया हुआ है। भारतीय फॉरेस्ट एक्ट को बदलकर सरकारी मालिकाना हक को कम्युनिटी मालिकाना हक में बदला जाएगा। 10 फीट गहरी पानी की ट्रेंच, 4 तरह के पेड़, फलदार सुगंधित व ग्रीन पाउडर के बीच गौशालाओं की व्यवस्था व गायों की संख्या ब्रीडिंग सेंटर के माध्यम से नियत समय में बढ़ाई जाएगी। तो गायों को जो है अगले 5 सालों में कम से कम 10 गुना बढ़ाना है, और गायों का जो अनुभव रहेगा, हम जो है कृष्ण भगवान को तो पैदा नहीं कर सकते हैं, माइनस कृष्ण भगवान किसानों जो है ना गायों के लिए वही माहौल होगा, सुरीली बांसुरियां बजेंगी और मंत्र चलेंगे, जगह जगह पे फॉर्डर होगा, वो अपने कॉरिडोर में घूम पाएंगी, उनको नहलाने के लिए, उनकी मसाजिंग करने के लिए मशीनें होंगी, उन्हें सजाने की व्यवस्था होगी, उनकी पूजा की व्यवस्था होगी, उनसे गले मिलने की व्यवस्था होगी। हमारी सभी गायें जो अभी घूरे कचरे पे बैठने के लिए मजबूर हैं, वो बहुत सुंदर दुल्हन जैसी दिखेंगी, माता जैसी दिखेंगी, और उनकी आरती करने में और मंत्रों के साथ आरती करने में एक अलग आनंद आएगा, वो हमारी बीमारियों और डिप्रेशन को भी दूर करेगा, और उन्हें भोजन में प्रोटीन रिच फॉडर के साथ साथ जो है औषधियां भी दी जाएंगी, तो उनका गाय का जो अभी देसी गाय का जो दूध अल्फा 2 वैरायटी का है, अमृत तुल है, वो औषधि युक्त भी हो जाएगा, जो हमको हृष्ट पुरुष निरोगी और दीर्घायु बनाएगा। 11वां पॉइंट है, अपराध मुक्त भारत मिशन के आयुष मॉडल के तहत
आयुर्वेदिक औषधियों एवं दीर्घायु जड़ी बूटियों का खाद्य सामग्री में प्रयोग कर उनके ग्रेटर औषधि प्रणालियों से भारत निरोगी एवं दीर्घायु बनेगा। तो भारत में जो है हर व्यक्ति का चेकअप होगा, कुछ मशीनें बना ली जाएंगी जिससे कि हम जो है नाड़ी को भी पढ़ पाएंगे, हम वात पित्त कफ को नाप पाएंगे और इसके पहले के बीमारी मैनिफेस्ट हो, हम भोजन में ही वो सब चीजें निरोगी करने वाली दीर्घायु करने वाली मिला के बिना अतिरिक्त कोई दवा खाए हम स्वस्थ रहेंगे, हम दीर्घायु होंगे। भगवान ने हमको जितनी भी उम्र दी हुई है वो तो हम नहीं बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये बात बहुत जोर से पक्की है कि वो अंतिम दिन तक चलता फिरता बिल्कुल हृष्ट पृष्ट रहेगा और मुस्कुराता हुआ परलोक धाम को प्रवाह जाएगा। और सभी जो है औषधि की प्रणाली कोई सुपीरियर नहीं होगी, ये मिलजुल के जब जिस स्टेज में प्राइमरी किसी को रोल अदा करना है तो वो प्राइमरी रोल अदा करेगा, कोई सेकेंडरी रोल अदा करेगा, कोई टर्सरी रोल अदा करेगा और कोई, तो इस तरीके से सभी का इंटीग्रेटेड यूज होगा। नेचुरोपैथी भी यूज होगी, आयुर्वेद भी यूज होगी, होम्योपैथी भी यूज होगी और एलोपैथी भी यूज होगी। हाँ, और इसमें जो है इतनी रिसर्च वो की जाएगी कि आगे चल के हो सकता है कि हम आपकी भगवान की दिव्य उम्र को भी शायद बढ़ाने में कुछ कामयाब हो। मुकेश भाई, अपन जो गाय को लेकर सोच रहे थे कि अपने को ऐसा करना है, वो सारी की सारी व्यवस्थाएं इसमें इन्होंने इस अभियान में रखी हुई हैं। जी, और मतलब क्राइम मुक्त भारत नाम भले ही इसका क्राइम मुक्त भारत है जी। लेकिन इसमें देखो तो मतलब वो सारी चीजें शामिल की हुई हैं जो अपन विभिन्न नौजवानों से बातचीत के दौरान चर्चा में आती है सामने। जी बिल्कुल, के जीवामृत कैसे बनेगा, घनामृत कैसे बनेगा, मतलब औषधि कैसे बनेगी, दीर्घायु कैसे होंगे, भोजन में अपनी औषधीय चीज कैसे आएंगी, मतलब पूरी योजना इन्होंने बनाते इसमें लिखी हुई है। इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है वो जब अपन इनसे मिलेंगे बात करेंगे तो उस पर काम करने की तरफ बढ़ेंगे। जी, अभी 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 इनकी डिटेलिंग में नहीं जाएंगे, हालांकि मॉडल बने हुए हैं। अभी केवल एक ही चीज में एनर्जी लगाई जाएगी, लोगों को जोड़ो, लोगों को जोड़ो, लोगों को जोड़ो, चक्र बनने में मदद करो, इन दुष्ट राजनेताओं को पराजित करो, फिर कानून भी आप बनाने की शक्ति आप में होगी, टेक्नोलॉजी की शक्ति आपके हाथ में होगी, आप बड़ी आसानी से इस देश को महान बना दोगे। नहीं, मैं तो मुकेश भाई से ये बात इसलिए कही दादा, क्योंकि हम लोग इस पर जब काम कर रहे थे तो बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो टुकड़ों टुकड़ों में थी, आपने उसको बकायदा पूरा फ्रेमिंग किया है। जी जी जी, ये मतलब हम जिन बातों को टुकड़ों टुकड़ों में बात करते हैं आपने उसको एक पूरा फ्रेम दे दिया, क्योंकि वो बहुत विस्तारित विषय है, मतलब वो इतने चार लाइनों में नहीं हो सकता। इसके पूरे मॉडल बने हुए हैं कि कैसे ये किया जाए, ये मॉडल भी बन गया। बिल्कुल, मैं समझ गया जी जी। 12 है हानिकारक रासायनिक खाद, बस कीटनाशक एवं दैनिक जीवन में प्रयुक्त विषाक्त पदार्थों पर प्रतिबंध लागू होगा, इनके वर्तमान दूषित प्रभाव से भारत को मुक्त किया जाएगा। तो आज जो है आप बीमार इसलिए हैं क्योंकि चारों तरफ से रासायनिक विष जो है वो आपके ऊपर थोपा जा रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि ना तो कैंसर कोई डिसीज है, ना ऑटो इम्यून कोई डिसीज है, ये आपकी बॉडी के सेल का आपके प्रति प्रतिशोध है कि तुमने बहुत अत्याचार कर लिया, हे दुष्ट, अब मैं बेनाइन सेल मेलाइन होके ओवर ग्रोथ करूंगी और तेरे को नष्ट कर दूंगी। तो जैसे ही ये रासायनिक विष विलुप्त होगा, विषाक्त पदार्थ जो चाहे प्रिजर्वेटिव के फॉर्म में हो या दवाओं के फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो, उनको जो है वो प्रतिबंधित हो जाएंगे, वो पैदा नहीं किए जा सकेंगे। तो वैसे ही जो है ये ऐसी बीमारियां जिसको कैंसर या ऑटो इम्यून डिसीज कहते हैं वो स्वतः विलुप्त हो जाए। तेरा है प्रोएक्टिव एप्रोच से रिजर्वेशन थी भी गरीबी मुक्त समृद्धशाली भारत होगा, 2029 तक भारत में कोई गरीब नहीं होगा। तो जब जो है 2 फरवरी 1835 में लॉर्ड मैकाले और विलियम एडम ने एक 1700 पेज की रिपोर्ट पेश की थी, उसका ओपनिंग रिमार्क था कि आई ट्रेवल एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द कंट्री एंड आई डिड नॉट फाइंड इवन ए सिंगल पुअर मैन और बैगर। मैंने पूरे भारत का भ्रमण किया 3 सालों में और मुझे पूरे भारत में एक भी गरीब और भिखारी नहीं मिला। मैथिली शरण गुप्त कहते हैं
ये 200 साल के पहले ही 2029 में, क्योंकि 2000 साल 200 साल तो 35 में पूरे होंगे, 2029 में ही देश में कोई गरीब नहीं बचेगा, ये मैथिली शरण गुप्त की गारंटी है। और भारत में किसी को फ्री भी नहीं मिलेंगी, किसी को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, हर कोई समृद्ध होगा, हर कोई हाउस में रह पाएगा, स्लम एरिया में उसे नहीं रहना होगा, ऐसा भारत होगा। तथा वैदिक व आधुनिक विज्ञान के समग्र विकास से भारत विश्व की रिसर्च डेवलपमेंट हब बनकर विश्व गुरु के रूप में स्थापित होगा। तो ये देखा जाए तो थोड़ा सा रिपीटेशन है, लेकिन उसी पॉइंट को स्ट्रेस किया गया है कि भारत विश्व की बिगेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब बनेगा और उसकी शक्ति के आधार पर विश्व गुरु बनेगा। तो ये किसी व्यक्ति का मैं विश्व गुरु बनूंगा ऐसे विश्व गुरु नहीं बनेगा, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के आधार पर जो है ना विश्व गुरु बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल भाई, कोई भी उठा के मुंह के रहता कि विश्व गुरु बनेगा, कैसे बनेगा कोई पता है आपको? कैसे बनेगा कुछ नहीं पता। ज्यादातर लोगों के मुंह से सुनने में आता है कि भारत विश्व गुरु बनेगा, कैसे बनेगा ये पूछो तो पता नहीं होता। बहुत सुंदर जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि मतलब ऐसे नहीं बनेगा, कुछ ऐसे नहीं बनेगा, उसके लिए पूरी योजनाबद्ध तरीके से काम करना का जो आपने ऊपर 13 पॉइंट में दिया हुआ है जी। अभी नीचे 15 समान आचार संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड जिस पर भी चल रहा है वो भी शामिल होगी। देखिए ये लोग दुष्टता पूर्वक गलत गलत बातें करते हैं, रिलीजन को सिविल कोड में घुसाने की कोशिश करते हैं। रिलीजन अलग चीज है, सिविल कोड अलग चीज है, राइट। तो जो आपके जीवन को यापन करने के लिए चीजें आप करते हैं, जिसमें शादी ब्याह से लेकर हर चीज होती है, उसको सिविल कहते हैं, राइट। जो आप पूजा अर्चना करते हैं उसको रिलीजन कहते हैं। तो सभी का एक ही सिविल कोड होगा, राइट। और हमारा धर्म कहता है कि आप 4 शादी करेंगे, ये दुष्टता पूर्वक जो है ना स्टेटमेंट है। धर्म कुछ नहीं कहता है, धर्म धर्म की बात कहता है, शादी करने का धर्म से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, 16 है अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता उल्लंघन संज्ञेय अधिमानतीय 10-15 साल की सजा पर संपत्ति जब्त का प्रावधान होगा। तो आज चारों तरफ दुष्टता हो रही है, जिसमें भाजपा भी सम्मिलित है, अच्छा कानून नहीं बनाती है। मैं ये कह रहा हूँ हमारे संविधान में जो आर्टिकल 25 दिया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि आप अपने विवेक के आधार पर जिस धर्म को भी चाहो मान सकते हो, उसका प्रचार कर सकते हो, लेकिन आपको दुष्टता करने का हक नहीं है। आपको ये कहने का हक नहीं है कि मेरा धर्म मानो नहीं तो तुम काफिर हो, मैं तुम्हारा सर भर से जुदा कर दूंगा और तुम जो है ना हमको जन्नत मिलेगी, 72 हुरें मिलेंगी, ये आर्टिकल 25 का उल्लंघन है। और ना ही कोई टीका लगा के ये कह पाएगा कि हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम बोलो। तो मेरा ये कहना है कि जय श्री राम कहने से क्या फायदे हैं ये कह पाओगे आप, लेकिन आपको ये कहने की हक नहीं है कि ऐसा बोलो नहीं तो तुमको हिंदुस्तान से भागना होगा, क्योंकि ये दुष्टता जो है ना सिर्फ वैमनस्यता फैलाने के लिए, राजनीतिक लाभ पैदा करने के लिए है, ये शुद्ध दुष्ट राजनीतिक चाल है। तो फ्री भारत मिशन का कहना है कि 4 सेक्शन का एक छोटा सा कानून बनाया जाएगा, जिसके तहत भी यदि आर्टिकल 25 का उल्लंघन करेगा तो वो संज्ञेय अपराध होगा। जमानत केवल एक ही परिस्थिति में ली जा सकेगी, यदि वो रिपोर्ट झूठी है। और क्राइम फ्री भारत के टेक्नो इंजन के तहत वीडियो डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडल के तहत 3 दिन से 30 दिन के अंदर न्याय मिल जाएगा और जो व्यक्ति है उसे कम से कम 15 साल की सजा होगी और उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी, पूरी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। ये फंड मतलब उसके पास एक पैसा भी नहीं बचेगा। यदि कोई संगठन उसके पीछे खड़ा हुआ है तो उस संगठन को जो है अवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा और उसकी भी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। तो ना इंडिविजुअल की औकात होगी, ना इन दुष्ट संगठनों की औकात होगी। जी, आपके 21 पॉइंट में से 17 नंबर का जो पॉइंट है जिसमें मैं हमेशा चिंतित रहता हूँ, जनसंख्या नियंत्रण कानून व उसी सोच व आचरण के तहत आबादी नियंत्रित होगी। आबादी तो नियंत्रित होना चाहिए साहब, मैंने शादी नहीं की, 2-3 बच्चे तो मैंने ही कम। आप ये बताइए, यदि आप इसका पालन नहीं करेंगे और आपको हर चीज में 10% ज्यादा जो है ना पैसा लगने लगेगा, आपकी औकात नहीं है कि आप ज्यादा बच्चे पैदा कर दें, नंबर 1। नंबर 2, आपका वोटिंग राइट 10 साल के लिए सीज कर लिया जाएगा।
राइट। तो जो है कुछ लोग जो है ना इसलिए ज्यादा पैदा कर रहे हैं कि वोटिंग राइट मिलेगा तो इसका उल्टा हो जाएगा। जी